welcome to the course of software engineering. today we will discuss about design engineering in software engineering. design engineering uh, एक ऐसा phase है, एक ऐसा step है, जो कि सारे set of uh, principles और concepts और practices cover करता है, जो कि एक high quality product बनाने के लिए काम आते हैं। मतलब design के बाद हम प्रोडक्ट बनाते हैं ये ही आप कह लें कि डिज़ाइन हम उसके हर पहलू के बारे में उसकी जांच पड़ताल करके और उसको एक्चुअली हम एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो देते हैं वो चीज़ हमारा डिज़ाइन कहलाता है गोल ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग इज टू तो प्रोड्यूस अ मॉडल और रिप्रेजेंटेशन इसका अपना जो गोल है वो क्या है कि एक मॉडल बनाना एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन एक जिसमें हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं उसके फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं और वो सारी चीज़ें बता के रहता है वो उसकी फर्मनेस बता रहा होता है उसकी कॉमोडिटी बता रहा होता है उसकी डिलाइट बता रहा होता है जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कारपेंटर को कहना है कि हमें मेज़ बना कर दे तो हम उसकी पिक्चर उसे देते हैं तो वो उसकी बता रहा होता है कि कन्फर्म रहा होता है कि इस मेज़ का इतना स्लोप uh, होगा इतना उसका इतनी उसकी टांगों की लेंथ होगी इतना उसका कलर इसका ये होगा उसका स्ट्रक्चर ये होगा तो डिज़ाइन में भी हम क्या कर रहे होते हैं हम एक मॉडल एक तस्वीर बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम फॉर्म कर रहे होते हैं कि ये ये फंक्शनैलिटी वो डि डिपेक्ट करेगा ये ये चीज़ उसके अंदर यूज़ होगी और ये अंदर उसके लिए हमें ज़्यादा खुशी होगी कि ये चीज़ें उसके अंदर वाजे हों द डिज़ाइन मॉडल प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट सॉफ्टवेयर डाटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इंटरफेस एंड कंपोनेंट्स दैट नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट सिस्टम तो पूरी समरी जो है डिज़ाइन की वो यही है कि उसके अंदर हम डाटा का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस आर्किटेक्चर जस्ट लाइक हम बिल्डिंग्स की एनैलिजी ले लें जिस तरह हम बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनवाते हैं तो डिज़ाइन लेवल की एक डायग्राम होती है हाई लेवल डायग्राम कह लेते हैं या हाई लेवल डिज़ाइन कह सकते हैं उसे जिसके अंदर हम वाज एक एक बारीकी के साथ चीज़ को मुताे करते हैं कि स्टेयर्स यहाँ पर हो विंडो यहाँ पर हो डोर यहाँ पर हो तो इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी आर्किटेक्चर जो है वो उसका काम यही है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाली चीज़ इधर हो ये वाली चीज़ इधर हो ये वाली चीज़ इधर हो इधर से डाटा आएगा इधर से डाटा इनपुट लेगा इधर से डाटा आउटपुट देगा डाटा इस तरह प्रोसेस करेगा तो वो सारा आर्किटेक्चर में डिफ़ाइन करते हैं और इंटरफेसेस हम जस्ट के यूज़र ने इंटरेक्ट किस तरह करना है उसका इंटरफेसेस किस तरह होंगे उसका जो ग्यू होगा उस किस तरह होगा ग्यू मीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरह होगा और उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे उसके अंदर मॉड्यूल्स क्या होंगे वो सारे हम जो चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होनी है वो सारी हम इसके अंदर ज़रूरियात की चीज़ें हम इसके अंदर हाईलाइट करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चार तरह के होते हैं बेसिकली क्लास डिज़ाइन जिसको हम डाटा डिज़ाइन भी बोलते हैं एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है फिर हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन कहलाता है और फिर हमारे पास कंपोनेंट डिज़ाइन कहलाता है इन चारों को हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे इन इन द नेक्स्ट वीडियोस और बेसिकली क्लास डायग्राम या क्लास डिज़ाइन में हम अपनी क्लासेस डिफाइन करते हैं और डिजाइन में हम बेसिकली स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं मॉड्यूल्स के और उनकी आपस में कम्युनिकेशन क्या होगी डिज़ाइन डिसीजंस कह लें कि जी किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा और इंटरफेसेस में हम वो चीज़ें वो तरीके या वो काम हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस तरह जिससे यूज़र ने इंट्रैक्ट करना है सिस्टम के साथ देन हैव अ कंपोनेंट डिज़ाइन जिसका मतलब यह है कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे सिस्टम के अंदर और वो किस तरह आपस में जुड़े हुए होंगे तो इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन हो डिज़ाइन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तब तक कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग हाफिज़